इतना हो गया क्या सर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया है ना। 7800 किलोग्राम की वैल्यू हमने रख दिया सर, इतना ग्राम हो गया यहाँ से। और एक मीटर क्यूब बराबर कितना सर, इतना सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करो, जीरो को कैंसिल आउट करो, 1 0, सेकेंड जीरो, थर्ड जीरो, फोर्थ जीरो, फिफ्थ जीरो। 78 by 10 ऊपर क्या है सर, ग्राम है, और नीचे क्या है सर, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बाबू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैसे लिख सकते हैं। ये नंबर निकलेगा, देख दीजिए ना। क्या हुआ प्रखर? अरे एक डिजाइन बनाने के लिए। हाँ दे रहे हैं प्रखर, दे रहे हैं बाबू। इसको लिखो तो पहले, दू भी आया कौन कौन नहीं से था, 18 को ना था बाबू, 3 को भी नहीं आया। जीवितेश तो कनेक्ट हो गया। बाबू कितना सुबह सुबह बाबू करते हो, खाते हो जीवितेश? सुबह भी खाता है, शाम भी खाता है, हद कर दिया। इतना कोई कैसे खा सकता बाबू मॉर्निंग में? सर एक मैं हूँ सर, चिल्लाती हूँ, मम्मी को खाना दे दीजिए मम्मी, तो मम्मी बोलती है पढ़ती लिखती नहीं है, पहले खाना मांगती है। ठीक करते हैं, जीवितेश के मम्मी साथ बात करते हैं, कितना इसको मत खिलाइए, सुबह सुबह खाना शुरू। देखो आकांक्षा हमारी हंस रही है, हमारे साइड में बच्चे कोई नहीं खाते हैं जीवितेश, इस टाइम में कोई नहीं खाते हैं, समझे संजना? एक शिवांगी रह गई ना, शिवांगी बाबू का नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है लगता। शिवांगी और मोहित, मोहित बाबू समझ में आया? मोहित यस सर। आप बहुत सुंदर सा फेयर करना, आके कभी भी चेक कर लेंगे। सर लिख लिए सर आगे ना जी, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक आप लोग बना तो बाबू बना तो, आइस का कितना होता है सर, आइस का कितना होता है, आइस का सर 900 bar। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 9000 बाबू 200 होता है, 920 किलोग्राम होता है आइस का, डेंसिटी ऑफ आइस इतना मीटर क्यूब होता है ना बाबू। कन्वर्ट इट बाबू कितना सर, कन्वर्ट इट बाबू इन ग्राम पर सेंटीमीटर। करो तो चरसिया प्रकाश सिंह, करो बाबू, स्टेप बाय स्टेप सीखना, डायरेक्ट मत कर देना, ठीक है ना। ये प्रखर वीडियो बाबू, ओम शर्मा ये तो खाली क्या किया, ओम शर्मा इतना तेज बनता है ना, खाली पेपर लगा 0.92 0.92 होगा सर। हाँ बाबू 0.92, वेरी गुड जीवितेश बाबू, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर, 0.92 होगा क्या, 92। पहले आप वीडियो ऑन करो जीवितेश बाबू, थोड़ा कंसंट्रेट भी करो बाबू, आप खा कर रहे हो जीवितेश, बनाया जीवितेश एकदम, देखो खा पी के एकदम हद किया हुआ, इसके मम्मी को आज बोलना पड़ेगा, बेड पे बैठा हुआ है, मैं खाली खाते रहता। हद कर दे वो खा खा के खाली मोटा हो गया, जल्दी करो जी बेटे। अभिनय पर अभिनय बाबू कीजिए, 0.92। हाँ 0.92 0.92 होगा, कैसे करेंगे, वेरी गुड बाबू, ऊपर वाला इरेज करते फिर बताते हैं। एक दो ऊपर दे दीजिए ना सर। हाँ दे, दूसरा दे देंगे, अरे शैतान ये तो बना हुआ है, ये कॉपी में भी तो लिखा ही देखिए। देखो जिसको नहीं समझ में आया बाबू इसमें समझ लो, ठीक है ना, समझ लो, और इसके बाद इसको ना बताएंगे, ठीक है ना। क्या है सर, 920 ग्राम है, तो 920 ग्राम है बाबू, 920 ग्राम है, ठीक है, 920 केजी है, 920 केजी है, और डिवाइड बाय कितना सर, 1 मीटर क्यूब है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 920 में कितना हो जाएगा सर, इसमें 920 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
यही करेंगे ना शैतान, और कुछ तो करेंगे नहीं। मेरा है 0.92 केजी बाई सर। देखिए प्रखर का केजी को कन्वर्ट भी किया, केजी बोल भी रही है। कहाँ है प्रखर सर? 0.92 वहाँ ग्राम और वो मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। अभी मीटर क्यों, मीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर क्यूब। वन मीटर क्यूब में क्या कंसेंट्रेट कीजिए बाबू प्रखर। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। एक मीटर क्यूब में कितना सर, कितना सेंटीमीटर क्यूब, इसको कैंसिल आउट करो। एक दो तीन चार पांच, अब इसको कैंसिल आउट मत करना, ठीक है ना। तो 920 हो गया, ऊपर कितना हो गया ग्राम हो गया, और डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 100 भी बच गया ना बाबू, 100 बच गया। तो एक करोगे, अरे शैतान दो दो 92 होगा ना, जीरो तो कट गया। हाँ, 92। तो 0.92 ग्राम। अभी तो आप बाबू बर्फ को आयरन से भी भारी बना देते हैं। मान लो 92 ले लेता बाबू तो आयरन का 7.8 है ना बाबू, तो आयरन से लोहा से भी भारी हो जाता। ठीक है सर, एक और दीजिए। इसको बना के लाना, दे रहे हैं जिसको बना के लाना, यही में टाइम पास नहीं करना, ठीक है ना। आगे में पढ़ाना है, कपड़ा कहाँ रख दिया, दीजिए तो बना के। हाँ दे रहे सता, इरेज करेंगे तब ना बाबू। शैतान चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट ग्लास का बाबू होता है 2500 केजी होता है पर मीटर क्यूब, एक गोल्ड का होता है 19300। ये दोनों करके लाना। तो शैतान ये डी आई बाई है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। हाँ बाबू, जो ग्लास है बाबू, ग्लास का होता है सर 2500 होता है। ग्लास का कितना होता है वो 2500 होता है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है। और सेकेंड नंबर बाबू गोल्ड का है 19300 किलोमीटर केजी पर मीटर क्यूब है, कन्वर्ट इनटू बाबू ग्राम पर सेंटीमीटर में, कन्वर्ट इनटू। इसको करके लाना, अब आगे पढ़ना। पहले का 2.5 होगा। हाँ बाबू अच्छी बात है। ए शिवम काहे बंद हो गया शैतान, शिवम नारायण में वीडियो ऑन कीजिए। दोनों का एक ही साथ कंपेयर करना है या अलग अलग ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है? ग्लास को अलग निकालना और गोल्ड को अलग निकालना। ठीक है सर। एक ही साथ कैसे निकालोगे? नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट। नो सर, मतलब वो एक ही क्वेश्चन है या दोनों अलग अलग निकालेंगे? अलग क्वेश्चन, अलग ही वन हो गया, क्वेश्चन टू अलग हो गया। ठीक है शिवम बाबू, वीडियो काहे बंद किया शिवम? सर सारा चीज कट जा रहा है सर 25 वाले में तो। हाँ बाबू, तो उससे क्या आपको सॉल्व करना हो जाएगा कंचना। सर मेरा है 25 सर, मेरा 25 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। 25 नहीं आएगा बाबू, 2.5 आएगा, ठीक है ना। कन्वर्ट कर, थोड़ा माइंड ओपन करके कन्वर्ट करके देखिएगा। हाँ सर, तो पॉइंट अभी नहीं गए सर, वैसे तो 25 ही आएगा ना, जीरो कट जाएगा तो सारा 2.5, सारा जीरो कटता 2.5 आएगा प्रखर। हाँ सर, हाँ सर, पॉइंट लगा ही दूंगी वो तो। हाँ बाबू चलो ठीक है इससे जिंदगी में कभी भी वर्ड आए डेंसिटी से तो इससे डरना नहीं है, पूरा पढ़ा देंगे। अब फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, कहीं भी आए बाबू डेंसिटी का वर्ड तो डरना नहीं है। कोई भी टीचर पढ़ाए तो पहले बोलिएगा ये हम पढ़ाते, पहले तो डेंसिटी आएगा वर्ड तो सीधे करना कि बाबू हम लोग एक तराजू ले लो, वहां पे जिसका डेंसिटी निकालना उसका मास से तोल लो, पानी ले लो, पानी उस
उसका वॉल्यूम हुआ शैतान, आप तो मेरा नाम है बदनाम कर। अच्छा वॉल्यूम सर, हाँ सर, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा सर, दोनों को डिवाइड कर देंगे सर तो डेंसिटी आ जाएगा, यही तो करना है, कुछ है बाबू? और सर नीचे वाले का 19.3 ग्राम बाई सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी अभी सही बोले। एक क्वेश्चन करो बाबू, द मास ऑफ, बाबू क्वेश्चन करो तो, द मास ऑफ टू मीटर क्यूब ऑफ स्टील करो तो जल्दी से, करो तो कीजिए तो आकांक्षा बाबू, द मास ऑफ टू मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज बाबू 1500। कैसे करना है सर बताइए ना, क्वेश्चन है, द मास ऑफ बाबू टू मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज बाबू 1500 केजी किलोग्राम दिया हुआ, ठीक है ना, ये बाबू 15600 कर दो, एग्जैक्ट डाटा लिखो कितना किलोग्राम दिया हुआ, तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टील, फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील इन बाबू ए नंबर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है, अब बी में बाबू ग्राम, 7800 किलोग्राम मीटर क्यूब, हाँ बाबू, और सेकेंड में निकालना सेंटीमीटर पर निकालना। आकांक्षा हो जाएगा बाबू, चौरासी होगा, ग्राम में भी निकालना, हाँ बाबू बोलिए सौम्या सर, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सर ग्राम में होगा 7800 इनटू 1000 पे सेंटीमीटर क्यूब बटे, सही से करो ना, सही से करो ना, हवा नहीं सही है, पहला सही है खाली, ठीक है सर, कीजिए आकांक्षा बाबू, एल के जी का बाबू आकांक्षा, ये देखो जीवितेश खा के सो गया, जीवितेश नहीं सर, नहीं सोया हूँ, अरे शैतान उतना थोड़ी नहीं बैठे बाबू, कॉपी लेके नहीं बैठा, हाँ सर है सर, शैतान तो इसको सोल्व करो बैठे हुए, संजना सोल्व कीजिए बाबू, शैतान सब बच्चे हमारे यहाँ, सेंटीमीटर में 22 ग्राम में चेंज कर, 7.8 सर, 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा बाबू, हाँ बाबू सर, पहले वाला का 7.8 होगा, हाँ 7.8 आएगा, देखो कैसे करोगे, कुछ है सर, पहला वाला का 7.8 आएगा, सेकंड वाला का आएगा बाबू, खाली हवा में बात करता, डेंसिटी निकालना सर, नहीं सर, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है सर, मास होता है बाबू, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो मास हमको पता रहेगा तब ना, तो मास दिया हुआ है बाबू, गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, एकदम सुंदर से लिखना, मास ऑफ स्टील दिया हुआ है, स्टील का मास दिया हुआ सर 15600 किलोग्राम, अरे मीटर क्यूब है, तो जब भी बाबू पावर में मीटर क्यूब रहेगा तो वॉल्यूम रहेगा, जब भी पावर क्या है सर, तीन पावर है ना, तो मतलब वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्टील दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्टील दिया हुआ सर, नंबर बी का आंसर होगा 7.8 ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है सर, अब बाबू ये किलोग्राम है तो इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना, ये किलोग्राम है सतान, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 15600 बाबू, और एक केजी में अभी ना बताएं बाबू कितना किलोग्राम, 1000, तो इतना केजी में कितना, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना क्या हो गया, ग्राम हो गया, इतना क्या हो गया शैतान, ग्राम हो गया, ठीक, वॉल्यूम बाबू 2 मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 पे कितना सुनना, 2 × 6 × 0 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अरे शैतान 1 मीटर क्यूब में कितना सर, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो अब हमको 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए 2 में निकल जाएगा 200 और मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया सर, और ये केजी मेरा आ गया, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर
डेंसिटी कह रहा तो कितना होगा सर, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना किलोग्राम में लेंगे सर, तो किलोग्राम वाला आंसर आएगा और बटा बाबू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लो तो दो हो गया। अब इसको डिवाइड करो, इसको क्या करो शैतान, डिवाइड करो, ये हो गया मीटर क्यूब हो गया, तो इसको डिवाइड करोगे तो टू से कितना हो जाएगा 7800 हो जाएगा, 800 किलोग्राम हो जाएगा और डिवाइड क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, एक किलोग्राम मीटर क्यूब में आ गया। अगर अब यहाँ हम लोग किसका लेंगे, ग्राम में ले लो तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राम में डेंसिटी, ग्राम में ले लेंगे सर तो कितना सर 156, इसको भी ले सकते हो, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आने तो यहाँ ग्राम वाला यूनिट लोगे तो ग्राम में कर सकते हो। ग्राम अबट्टा बाबू कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 2 × 246 सेंटीमीटर है, ये क्यूब हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करो, आंसर ला, समझ में आ रहा प्रकाश सिंह? हाँ सर। 1030 1010 2020 और बाबू ये वो 10 बच जाएगा, ध्यान देना सकता है, वो 10 बच जाएगा और 156 को कैंसिल करोगे तो ये 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, है ना, और नीचे वो 10 बचा हुआ, ये ध्यान देना, ये वाला 10 मेरा बचा हुआ, तो 78 बाबू अपॉन 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसको करोगे बाबू तो 7.8 हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। राइट डाउन करो बाबू, लिख लिए सर। वेरी गुड बाबू, एक क्वेश्चन है सेता, एक क्वेश्चन है, उसको आपको हम ग्रुप में लिखिए देते बाबू, लिखिए देते, इसको करके आप लोग लाइएगा, फिर आगे पढ़ाना भी। ये हमारा जीवितेश कहाँ शैतान चल गया, बहुत मस्त लड़का जीवितेश बिंदास। अभी आप क्या कीजिएगा, कल वाला थोड़ा सा डेंसिटी वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है जीवितेश, केमिस्ट्री का है ना, सेकेंड लेक्चर देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला नहीं भी देखेगा कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड वाला देख लीजिएगा और फिर उसके बाद इसको लिख कर आराम से समझिएगा और फिर उसके बाद देखते हैं पिटाई उटाई करते हैं। कल भी सोना है बाबू जीवितेश, क्या आना है सर? कल देखता हूँ सर, कल आ सकता हूँ। अच्छा मैंने क्या कल सोने का विचार था? नहीं सर। हाँ तो आने बाबू, आना कल, क्या डेली आना है? हाँ सर आऊंगा सर, आऊंगा। शैतान बोलता कैसे सर, देखते हैं सर, नींद टूटेगा तो आएंगे, जल्दी से लिखो, एक क्वेश्चन करके लाइएगा और आप लोग बाबू अपने अपने आपके पास जो भी है बाबू तो उसको वाटर में डाल के देखिएगा फ्लोट होता है कि नहीं होता है ना। देखो शैतान आपको दिखाते हैं बाबू, मेरे साइड में ये भी वाटर है, अब भूल गए बाबू किसमें कौन सा वाटर है, दोनों क्या बाबू वाटर है, दोनों वाटर है ना, देखो आपको मैजिक, दोनों बोथ आर बाबू वाटर ही है, दिख रहा है दोनों का, दोनों पानी है, ठीक। अब किसमें बाबू फ्लोट करेगा, किसमें बाबू सिंक करेगा, ये हमको भी पता नहीं है। एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं उसके बाद दिखा देते हैं सर, दोनों अलग अलग पानी है क्या? अरे बाबू पानी अलग क्या होंगे, पानी पानी होंगे। नहीं सर आप बोले किसमें कौन सा पानी है ये पूछ रहा था। तो एक पानी पीने वाला होगा और एक ना पीने वाला होगा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते, इसको पहले बना के लाइएगा है ना, एक इसको बना के लाइएगा न्यूमेरिकल को और उसके बाद आपको पानी वाला बताते हैं। इसमें एक टर्म और रह गया बाबू डेंसिटी, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी को कल पढ़ लेंगे बाबू, और एक क्लास आपका ज्योमेट्री बचा हुआ है शैतान। देखो कल इसको डेंसिटी खत्म कर देंगे और कल इसको डेंसिटी खत्म कर देंगे और परसों जो फ्राइडे सैटरडे आएगा उस दिन आपका एक क्लास ज्योमेट्री का बचा हुआ है, साइन थीटा निकालने बता दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बताना है ना, तो ये खत्म हो जाएगा बाबू। तो मंडे से हम लोग देखते हैं बाबू क्या पढ़ते हैं ना, मैथ पढ़ना रहेगा तो मैथ पढ़िएगा, दो दो दिन डिवाइड कर देंगे, कल भर इसको खत्म कर देंगे, नहीं तो ये फिर अटक जाएगा बाबू। एन ऑब्जेक्ट, ये बाबू फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है बाबू, गलती से बुक में दे दिया बाबू है ना, एन ऑब्जेक्ट बाबू ऑफ मास, जल्दी से लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास बाबू कितना दिया, 50 ग्राम दिया हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है बाबू जिसका मास कितना 50 ग्राम है, एंड
एंड इट्स वॉल्यूम. ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. नहीं निकल जाएगा बाबू. ग्राम है सर, सेंटीमीटर है, उसी यूनिट में लो बाबू. ठीक. नेक्स्ट बाबू. ऑल्सो ऑल्सो बाबू ऑल्सो बाबू वेदर द सबस्टांस वेदर द ऑब्जेक्ट बाबू वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट will float or sink in water. आपको इसका डेंसिटी निकालना और वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करना है कि पानी में जब इस सबस्टांस ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा. शिवम. यस सर. चलो है. हाँ बाबू निकल जाएगा ना बाबू. यस सर. अरे कुछ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है सर. फर्स्ट क्लास का बाबू, फर्स्ट क्लास का. तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लोगे किससे सर? ग्राम में पर सेंटीमीटर क्यूब में. और पानी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला डाटा देख लेना तो एक ग्राम होता है. अब देखो एक से इसका वैल्यू छोटा था कि बड़ा था? एक से वैल्यू कम आ जाएगा. पानी के ग्राम के पानी के डेंसिटी से कम आ जाएगा तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा. अब पानी के डेंसिटी से ज्यादा आ जाएगा तो पानी में डूब जाएगा, है ना? लिखो सीता. ठीक है बाबू. सर होमवर्क दे देना इसको सर, छोड़ दीजिए बस. हाँ तो इसको होमवर्क ही बाबू, इसको करके लाना, इसको करके लाना, इसको करके लाना, है ना? इसको करके ही रेडी कर स्क्रीनशॉट लेना साइड हो तो. बहुत बहुत लेजी सब स्टूडेंट, सब सब 5G है. और नहीं फिर रहा ना बाबू तो बहुत मार मारेंगे. ये स्क्रीनशॉट का जो समस्या है ना, आएंगे ना तो बहुत पीटेंगे. खाली नहीं रहो ना, होली में आ रहे हैं. टिकट हम लोग होली में रहेंगे. होली में सर? होली में रहे या ना रहे पता नहीं. अरे शैतान नहीं, कैसे रहोगे शैतान कहेगा? हमको फेस्टिवल में ही ना छुट्टी मिलेगा. देखो बाबू एक एग लेना. आप लोग बाबू कंपेयर करना, ठीक है ना? एक ले, एग लेना बाबू. अब बाटर है ना? ठीक है सर. ठीक है बाबू. अब बाबू आप लोग अपने साइड का देखना एग, ठीक है ना? इसको पानी में डालना. बहुत कहेगा सर फ्लोट करेगा कि बहुत करेगा सिंक करेगा. सर डाल दिए सर. क्या हो गया बाबू? सिंक कर गया. इसको फ्लोट कहेंगे तो डूब जाएगा. बाप रे अंडा की पत्थर है सर. अरे शैतान तो पानी में डालने से. बाबू एक है, एक है शैतान. अब बस फोन सर रियली. हां चलो ठीक है. खराब वाला ऊपर आ जाता. अरे शैतान देखो दिस इज द बाबू. शांति सुनो. ये बाबू क्या एक है? एक है ना? इसको पानी में डालो बाबू. खराब क्या बाबू? बढ़िया वाला अंडा है, ठीक है ना? आप इसको खा सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं. खराब वाला नहीं बाबू, बढ़िया वाला. तो इसको जब बाटर में डालोगे, बाटर में डालोगे तो क्या होगा? देखना आप लोग, घर का अंडा डालना है ना, क्या करेगा? सिंक हो गया, डूब गया. मतलब बाबू सिंक हो गया. समझ में आता है कंचा? यह कंचा बाबू. यस सर. ठीक है सर, अब छोड़ दीजिए सर. अरे शैतान रुको ना, अभी इसको फ्लोट करवाते हैं. शैतान कहेंगे हमको ये थोड़ी बताना था. पानी में कुछ तो डाल देने से सर वो फ्लोट करता है. अब बाबू देखो ये पानी में नमक डाल देंगे तो नमक डाल देने से वो फ्लोट करता है. देखो बाबू क्या बाटर है शैतान, क्या बाटर है, ठीक है ना? अब इसी बाटर को बाबू देखो, सेम एक सेम बाबू, ठीक है ना? बाटर ग्लास में हुआ है. अब इसमें डालो नमक. डाल दिए सर. ठीक है पानी का क्या? देखो फ्लोट किया कि नहीं किया पानी? अरे शैतान एक ही अंडा, मेरे पास एक ही अंडा है. वो दो अंडा का इन्वेस्टमेंट का भी पैसा नहीं है, ठीक है ना? मेरे पास पानी अलग है. अरे शैतान मेरे, पानी और नमक क्या कर रहे हो सर? इसमें आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सर. हाँ बाबू. पानी में तेल मिलाकर पानी को ऊपर भी, अंडे को ऊपर ना पूरा ऊपर ना पूरा नीचे, बीच में भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं. अच्छा ठीक है सर. देखो बाबू ये दो बटर है बाबू, एक बटर ये हो गया, एक बटर ये हो गया, ठीक है? जहाँ जो फूटा था पेनाल्टी आप लोग का लगेगा, ठीक है? इस पानी में फ्लोट कर रहा था शैतान, इस पानी में डाले सर तो क्या क्या बाबू? फ्लोट किया, है ना बाबू? और इसी एक को बाबू,
इस बाटर में डाल रहे हैं, वो दोनों बाटर ही हैं, दोनों क्या देखने में कुछ अंतर लग रहा है? देखो बाबू सामने से देखो ना, शैतान पहना आ जाओ, देखो फुटा था सॉल्युबल वाटर है, ये नॉन सॉल्युबल वाटर है सर। अरे वाटर सॉल्युबल, अब ये कौन सा, अब इसमें डाल रहे हैं, इसी एक को इसमें डाल रहे हैं, तो क्या वो सिंक हो गया, मैजिक है कि नहीं बाबू? है ना, हां बाबू, तो यही मैजिक होता है। दूसरे में नमक मिलाया था इसीलिए हो रहा है सर, उसका डेंसिटी बढ़ा दिए सर आप दूसरे वाले का सर। हाँ तो यही कंसेप्ट है बाबू, यही कंसेप्ट है। देखो ये पानी, ये जो वाटर है वो जिसमें ये बाबू सिंक हो रहा है, जिसमें ये नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर है, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर में बाबू डालोगे एक को बाबू, तो क्या कर जाएगा, सिंक हो जाएगा। लेकिन ये जो वाटर है वो, ये जो वाटर, ये बाबू इसमें नमक डाला हुआ है, नमक डाला हुआ, तो नमक डालेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा कल बताएंगे, ठीक है ना सर। नमक वाले पानी में तेल, नमक वाले पानी में से थोड़ा सा पानी फेंक के उसमें तेल डाल के देखिए, वो बीच में अटक जाएगा घंटा। अच्छा ठीक है, तो इसमें बाबू, इसमें जो आपको दिख रहा है ये जो ग्लास दिख रहा है, इसमें बाबू ये नमक वाला वाटर है, ठीक है, नमक वाला वाटर है। तो नमक में जैसे बाबू आप वाटर में जैसे नमक अरे शैतान, ठीक है, नमक में जैसे वाटर डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, नमक का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी बढ़ जाएगा, बढ़ गया वो, है ना। तो डेंसिटी जब बढ़ गया तो यही एक क्या हो गया, आपका फ्लोट करना शुरू हो, देखो नीचे जाओ, नीचे जाओ, नहीं जाएगा, कहीं आ जाएगा, है ना वो। तो जब भी बाबू वाटर में अगर नमक डिजोल्व कर दोगे, नमक डिजोल्व करोगे तो उसका डेंसिटी वाटर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अंडे के डेंसिटी से वाटर का डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इस कारण वाटर क्या करेगा, मेरा फ्लोट करेगा, देखो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वो साल्टी, साल्टी वाटर हो गया, आई बाबू फ्रेश वाटर हो गया, दिस वन इज द फ्रेश वाटर। समझ में आया कंचा, ऐसे करके पढ़ी थी बाबू? नो सर। हाँ बाबू, तो साल्टी वाटर में बाबू जो एग होते हैं, ठीक है ना, साल्टी वाटर का, साल्टी वाटर में उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, नॉर्मल वाटर में नमक डाल दोगे तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा बता देंगे कल, ठीक है ना, मास बढ़ेगा ना तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ गया बाबू, तो अब पानी पहले जो जिसका डेंसिटी कम था उसका डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब एक को डाले बाबू तो क्या हो गया, एक एक क्या हो गया, हल्का हो गया, इस कारण से एक क्या कर रहा, फ्लोट कर रहा, एक क्या कर रहा बाबू, फ्लोट कर रहा, और इसमें एक देखो सिंक कर रहा है ना, ये प्योर वाटर है, ये साल्टी वाटर है, ठीक, समझ में आ गया ना बाबू। चलो यही करना था आपके लिए, कितना हमको दो ग्लास खरीदना पड़ा, अंडा लाना पड़ा, बताओ बाबू, इतना स्कूल वाला करते तो आप लोग और नहीं तेज हो जाते? दो ग्लास अंडा तो आप खा भी लेंगे सर, और एक ग्लास से पानी हो पी लेंगे सर। बहुत दिमाग लगाता, अंडा खा लेंगे सर, ठीक है बाबू, अच्छी बात है, जल है सर। क्या बाबू छोड़िए सर, अब क्या निर्जल मतलब, नहीं समझ रहा, निर्जल निर्जल सर, बैगन। अच्छा बैगन, हाँ तो बैगन क्या बाबू, दिखा देते। अरे तो बैगन इस ग्लास में नहीं आएगा, अब देखो आपको बताया ना बाबू, बाकी आप लोग अपना आलू बैगन प्याज, अच्छा ठीक है, आलू बैगन प्याज ये सब घर में करके देखते रहो, कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक करेगा, जो फ्लोट करेगा उसका डेंसिटी कम होगा पानी का डेंसिटी, जो सिंक करेगा उसका डेंसिटी ज्यादा, आप करते रहो। आप कहोगे सर बैगन लाइए, एगो कहेगा आलू लाइए सर, एगो प्याज, ऐसी लेते रहेंगे एक साथ, ठीक है ना, आपको दिखा दिए, बस सीधा सी बात है बाबू, रहने देते हैं ना, इसको होमवर्क करके लाना, दो तीन क्वेश्चन दिए सर, एक का तो कितने दिन से निकलेगा सर ऐसे नंबर में, ऐसे नंबर बाबू आप करोगे कर, एक का क्या करो, डेंसिटी निकालना, तो एक को क्या करो, पहले मास निकाल लो, और कितना वाटर को ये डिस्प्लेस कर रहा, एक का क्या निकालो बाबू, मास निकाल लो, मास निकाल लो, ठीक है, कितना भारी है और कितना वाटर को ये डिस्प्लेस कर रहा, मतलब कितना वाटर इसका हाइट हो रहा है, तो उसको डिवाइड करके डेंसिटी निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। पानी को नापेंगे कैसे सर, ये कितना पानी वो छोड़ रहा है सर? अरे छोड़े क्या बाबू, देखो पानी को नापना क्या बाबू, एक एक ऐसा बाबू ऐसा बीकर लो बाबू जिसमें क्या करता है, लेवल इंडिकेट, जैसे यहाँ 10 मिलीलीटर, यहाँ 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, बहुत सारे बीकर लोग है, तो वहाँ इंडिकेट क्या हो रहा है, तभी मान लो वाटर इतना है, अब इसको एक डालो बाबू, तब वाटर का लेवल राइज होगा ना, तो देखो कितना राइज हो गया, इतना राइज हो गया, पहले यहाँ था सर, तो अब यहाँ आ गया, तो इतना जो वाटर का लेवल राइज हुआ बाबू, इतना जो वाटर यहाँ था ना बाबू, डालने से यहाँ आ गया, तो ये जो वाटर का लेवल राइज हुआ, ये इसका क्या होगा, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसको ताराजो पे रख के इसका क्या करो, कितना भारी है कितना ग्राम है वो कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो नहीं आ जाएगा डेंसिटी, आ जाएगा इसी करके डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। कल तो बताया था प्रखर, नहीं समझी थी कल, बोला वो क्या इतना अच्छा से तो बताया था, आलू लेके, आलू लिए उसको तराजो से तोल के बताए थे बाबू, पूछ रही थी। हाँ बाबू तराजू से लेके नहीं तोल के बताया था, आप लोग के लिए तो सब सामान रख ले है ना, देखो तराजू से तोल के बताया था कि नहीं बताया था, कितना ग्राम हुआ था सब में बताओ बाबू, कल आलू का वजन 0.065 ग्राम। हाँ बाबू तो इतना सब बताइए दिया था, अब भी क्या चाहिए, ठीक है, तो आपने सब व्यवस्था की है ना,
अब किसको किसको अंडा खाना है, दे जाओ जिसको खाना है। वहां पे रहते हैं ना, खा लेते सर। थर्सडे आज कोई नहीं खाए।